आप सभी का स्वागत करती हूं जन संदेश टाइम्स में। हेट क्राइम का एक और मामले का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में हिंदू संगठन के व्यक्ति द्वारा चूड़ी बेचने वाले मुस्लिम युवक को मारने का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। रक्षाबंधन पर चूड़ी बेचने वाले एक मुस्लिम शख्स की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र स्थित गोविंद नगर का है, जहां एक चूड़ी वाले को जमकर क्षेत्रीय लोग पीटते हुए नजर आ रहे हैं। मारने वाला व्यक्ति चूड़ी बेचने वाले युवक के बैग से चूड़ियां बाहर निकाल कर फेंक रहा है और कह रहा है कि जिसके नाप की चूड़ी हो वो उठाकर ले जाए। इसके साथ ही वह व्यक्ति लगातार उस युवक को मारता भी जा रहा है। मारने वाला व्यक्ति स्थानीय लोगों से उस मुस्लिम युवक को मारने के लिए उकसा भी रहा है, जिसके बाद वहां खड़ा हर व्यक्ति उस युवक को मारने लगता है। युवक को मारते हुए यह धमकी भी दी जा रही है कि अगर दोबारा वह इस क्षेत्र में दिखा तो अच्छा नहीं होगा। आप देख सकते हैं कि जिस युवक की पिटाई की जा रही है वह लगातार माफी भी मांग रहा है, बावजूद इसके कि उसकी जमकर पिटाई की जा रही है। इस दौरान युवक मुंबई बाजार की किसी घटना का जिक्र करते हुए साफ कह रहा है कि यहाँ खड़ा हर व्यक्ति एक एक थप्पड़ मारकर बदला ले। वीडियो में पिटने वाले युवक का नाम तस्लीम बताया जा रहा है। तस्लीम महज 25 वर्ष का है और इंदौर में चूड़ियां बेचने का काम करता है। तस्लीम मूलतः यूपी के हरदोई जिले का रहने वाला है। तस्लीम का कहना है कि वह इंदौर के गोविंद बाजार में चूड़ियां बेच रहा था, तभी कुछ लोगों ने आकर पहले उसका नाम पूछा। जब उसने अपना नाम बताया तो वहां कुछ लोग उसके ऊपर टूट पड़े और उसकी चूड़ियां लूट ली। आप देख सकते हैं कि वायरल वीडियो में भी एक भगवा वस्त्र धारण किया हुआ व्यक्ति उसकी किस तरह से पिटाई कर रहा है, साथ ही आगे से हिंदू क्षेत्र में न आने की धमकी भी दे रहा है। जो बहन बेटी मेरे सब आ जाओ, ले जाओ जिसके नाप का है, जो आज के बाद ये कभी अपने क्षेत्र में आना नहीं चाहिए। तो हमारे क्षेत्र में आना मत पड़ा, तू जीवन में किसी भी हिंदू क्षेत्र में मत जाना। वीडियो के अंत में भगवा वस्त्रधारी व्यक्ति अन्य लोगों को तस्लीम को पीटने के लिए उकसा रहा है। इस मामले में पुलिस ने तस्लीम के बयान के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया है। वायरल वीडियो में मारने वाले व्यक्ति का चेहरा साफ नजर आ रहा है, बावजूद इसके पुलिस ने हल्की धाराओं पर अज्ञात लोगों के खिलाफ साधारण मारपीट का मुकदमा दर्ज किया है, जबकि इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइन की ऐसे मामलों में हेट क्राइम के तहत जांच की जाए। तो ये थी हमारी इस समय की खबर। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जन संदेश टाइम्स। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।